हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मंडी रिएक्शन। आज फिर वीडियो आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है विराट कोहली ऑन टिकटॉक। यार शुरू में वाव भी लिखा, वाव 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 वाले फैक्टर ऐड हो जाएगा। वैसे तो हमने सोचा टिकटॉक इतनी फेमस हो रही है तो वो दूसरे वाले विराट कोहली ऑन टिकटॉक, वाव सिर्फ एक्सप्रेशन था, आपने करना था ऐसे वाव विराट कोहली। अच्छा ठीक है, वो बोल रहे हैं तो विराट कोहली ऑन टिकटॉक। हाँ क्या कह रहे थे, हमने पहले भी कुछ टिकटॉक की वीडियोस देखी हैं तो ये नहीं कह रहे थे। हम कह रहे थे कि जरूरी नहीं है कि हम टिकटॉक तो बहुत फेमस है, जरूरी नहीं है वो दूसरे वाले टिकटॉकर्स को देखें जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं। कुछ अच्छा भी देखा जा सकता है टिकटॉक पे, जैसे विराट कोहली कम देख लेते हैं तो उम्मीद है कि अच्छी वीडियो होगी। ये कहने लगे थे, ये कहने लगे, मैंने कहा पता नहीं क्या कहने लगे, पता नहीं क्या मतलब, और मैं क्या कह सकता हूँ क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे हैं इधर बैठ के, है ना, रियलिटी में करते हो ना, ये एक गंदा आदमी। चलो जी लेट्स सी वन टू थ्री। थोड़ा सा यहाँ का प्रॉब्लम टिकटॉक के बारे में बहुत होता है, मैं ऐसे उठाऊं तो दो दफा कला बाजी। अरे वाह, एक तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू गरम मामला, बोल बंद मैं कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए। मेरे दो अनमोल रतन, एक राम तो दूजा लखन। राम लखन। ओके नाइस। नाइस कंपाइलेशन, अच्छी वीडियो थी, मजेदार, एंटरटेनिंग। मुझे एक बात सबसे पहले बताओ नीचे कमेंट करके, क्योंकि नेशनल एंथम था ये जब चला है तो कौन कौन है जो खड़ा हुआ था? गुड क्वेश्चन, कौन कौन खड़ा इतना स्पॉन्टेनियस बता के चलाना चाहिए बंदा, क्या बता, एनवायरनमेंट में बैठा हुआ और कोई लेटा हुआ हो तो वीडियो पॉज होती है, फिर मतलब खड़ा होता है, फिर वीडियो सारे नहीं होते।
सर्दियां चल रही है, रजाई से निकलना बहुत मुश्किल का, ब्लैंकेट नहीं छोड़ा जाता। यहीं पे तो पता चलेगा ना देशभक्ति का, यहीं पे तो पता चलेगा। वैसे तुम पाकिस्तानी एंथम लगता है हमेशा खड़े होते। मजबूरी में खड़ा होना पड़ता है। स्कूल में भी खड़े होते थे, सारे खड़े होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कुछ स्पॉन्टेनियस वीडियो आ गई, तो पॉज करेगा, फिर खड़ा होगा, फिर वीडियो प्ले करेगा, फिर ऐसे सुनेगा। नहीं, मैं पॉज करूंगा और पास करूंगा ये। तो आई होप ऐसा ना हो, क्योंकि मैं कहूंगा कि खड़ा फिर किसी दिन हो जाएंगे। अभी रसाई गर्म की है बड़ी मेहनत से, तो है वीडियो बहुत मजे की थी, अच्छी कंपाइलेशन थी। टिकटॉक पर बड़े बड़े स्टार्स आ चुके हैं, तो टिकटॉक के फेमस की यही वजह है, इतना फेम इसको इसीलिए मिला कि सारों ने यूज की है, सबने यूज किया। जिन्होंने इंस्टॉल नहीं की उन्होंने फेसबुक पर वीडियो जरूर देखी है, तो उस हिसाब से इस हमाम में सभी नंगे हैं। हाँ, मतलब सबने देखी हुई, आई मीन यही जेन एक्सप्लेन कर दिया। अब और कोई जेन में नहीं आ रही थी तो ठीक। तो इस गंगा में सभी नहा दो मैं, चलो है नहीं बना दिए मैंने है, वो बहती गंगा में हाथ धोना और चीज है। बहती गंगा में हाथ धोना भी तकरीबन यही चीज है। हाँ, तकरीबन यही चीज है, दूसरी तरफ से ठीक है। अगर ऊपर से हो गए तो खैर। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, इसमें से सबसे अच्छा पार्ट कौन सा था, तुम्हारा वाला कौन सा था? मेरे वाला अनुष्का और विराट, मेरे वाला वो जो उसने शूज पहने हैं ना, वो मजे का था। उसके बाद एक्सप्रेशन उसका अच्छा था, वो शूज वाला, वो दैट वाज नाइस, वो अच्छा था। खैर, आप लोगों का कौन सा था नेशनल एंथम? जो जो लिखेगा बेटा ये भी बताओ, खड़े हुए थे? अगर खड़े हुए थे तो फिर तो जस्टिफाइड, अगर नहीं खड़े हुए तो फिर झूठ मत बोलना। यार लोगों को सेल्फ क्या मतलब है, गिल्ट फील करवा, नहीं बनता है यार, कम ऑन। वैसे तो बड़ी देशभक्ति जागती है कमेंट्स में, शेयर करें और ये वो इस सब में, और पता नहीं क्या क्या मतलब कम। अब पता चलता है ना असल इन चीज़ों पे कि कौन रजाई गर्म रजाई से बाहर निकल सकता है, यहाँ पे पता चलता है असल देशभक्ति। खैर, असल देशभक्ति ना खड़े हुए बगैर भी अगर आप सर्व कर रहे हो कंट्री को तो जी 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 कर लो जस्टिफाई, कर लो। दो तीन इंसिडेंट याद आ रहे जहाँ पे खड़ा नहीं ऐसे ना बोल। ये जो तुम्हारी तरफ से जस्टिफिकेशन आ रही थी ना, मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। जरूरी तो नहीं कि खड़े हो तो ही आपका लव टू द नेशन एक्सप्रेस हो। बिल्कुल, खड़े हो अच्छे काम करके, अच्छी चीजें करके अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि खड़ा होना। ये अब आपने कल जो जो स्कूल गोइंग है वो जाके स्कूल में बोलेंगे कि जरूरी तो नहीं कि मैं खड़ा हूँ तभी मेरी रिस्पेक्ट जरूर होगी। होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रहे तो इट इज नॉट अ बिग थिंग, नॉट अ बिग थिंग। मैं किस तरह जस्टिफाई करूं, मुझे बता। ठीक है यार, खड़ा होना चाहिए। लेकिन बस जो नहीं खड़े हुए उनके लिए कि कोई बात नहीं, ऐसा करें वीडियो दोबारा चलाएं और खड़े होकर फिर देख लें, इट्स ओके। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, इसकी जरा कुछ बातें अगर इग्नोर कर दे तो ज्यादा अच्छी बात है, पास कर दिया करें। जब भी बोल रहा हूं तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया करें। हां, जब तुम बोल रहे हो तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन खुदा हाफिज़।